रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में, उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा, क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है रुलाएगा बहुत ज्यादा उसके बाद, वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं है। तो उससे पूछना पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर इसका जवाब 6 महीने से ज्यादा है तो चिंता की बात है, और 2 साल से ज्यादा है तो इसका कतई हमें उत्तर नहीं देना है। ये अनिवार्य प्रश्न है, ये वैकल्पिक वाला नहीं है कि इन 3 में से 2 का उत्तर दें, ये अनिवार्य है, इसी पे सिलेक्शन रिजेक्शन टिकना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रश्न, दूसरा उसने बताया था इस चीज को ऑब्जर्व करना कि वो अपने से कमजोरों के साथ कैसे बिहेव करता है। यदि वो अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ शालीनता से बिहेव करता है तो ठीक व्यक्ति, बाकी होलिया वोलिया तो 4 दिन के बाद वैसे भी काम नहीं आता है, तो होलिया पर मत जाइए, ये देखिए कि उसका बिहेवियर अपने से कमजोर के साथ कैसा है। अगर ठीक है तो मुंडा ठीक है, फिर आगे बढ़िए। भाई साहब ने पूछा कि हम क्या पूछेंगे, वैसे अभी ऐसी नौबत आई नहीं कि लड़के पूछें उन्हें पूछता कौन है, तो इसलिए वो पूछने का बहुत चैलेंज रहता है। पूछ लो, आप भी ऐसे पूछ लेना, रोने का तो नहीं चलेगा वहां पर, आप कुछ और पूछ लेना यार। हाँ बोलो। नहीं, भिखारी के प्रति दया नहीं चाहिए, लेकिन उस दया का परिणाम उस कृत्य में नहीं होना चाहिए कि आप उसको पैसा दे। किस तरह के भिखारी को देना चाहिए? भिखारियों के 5 प्रकार होते हैं। ऐसा उत्तर जा रहे हैं मुझसे। जब जब आपको ये भरोसा हो जाए कि ये जेन्युइनली ऐसी स्थिति में है और इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय नहीं है, और या ये कि जेन्युइन भले ना हो, इस समय सच में भूखा है और केवल उसको खुला भोजन पैकेट वाला नहीं वो दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, मैं ऐसा करता हूँ। चलो, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में या किसी बड़े व्यक्ति को एम्पैथी सिखाने का पहला तरीका क्या है? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे नॉवेल्स या कुछ भी ऐसा जिसमें एक कंसेप्ट डेवलप हो किसी वंचित वर्ग के प्रति। इसका कोई एग्जाम्पल अगर फिल्म का देना हो तो बागवा एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। जैसे वृद्धों की स्थिति को समझाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि बागवा फिल्म देखो। देखो मसूरी में क्या होता है कि लेक्चर होते हैं बहुत सारे, इतने तबाह किस्म के लेक्चर होते हैं कि सब प्रोबेशनर वहां सोते रहते हैं, आंख खोल के सोते हैं, वहां पर प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि लोग देखते हैं आगे बैठे हुए लोगों को, मजा नहीं आता। 100 में से 75 लेक्चर महाचार टाइप के होते हैं। हाँ, 100 में से 8-10 होते हैं कि मजा आ जाएगा आपको, 8-10 होंगे उस व्यक्ति को देख के मजा आ जाएगा, इतना बड़ा व्यक्ति आया, बाप रे बाप। पर लेक्चर शुरू होने के 10 मिनट के बाद खर खर शुरू हो जाता है क्योंकि आपको बात में मजा नहीं आ रहा है, आपको केवल उसके नाम में मजा आ रहा है, ठीक है। तो बागमा दिखा दी, आर्टिकल 15 फिल्म दिखा दी, तो कोई व्यक्ति अगर आए और वो 2 घंटे का लेक्चर दे बूढ़ों की सुरक्षा पे, उस 2 घंटे के लेक्चर से अच्छा 2 घंटे की फिल्म देखो बागमा, और फिल्म दिखाने के बाद आधे घंटे का लेक्चर दे दो केवल, जो केवल उन उपायों पर होगी हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए सिविल सर्वे के तौर पर उस तरह से।